इस भोजपुरी एक्ट्रेस ने बिग बॉस में आए साजिद खान का घिनौना सच दुनिया के सामने रख दिया। बताया कैसे गंदे गंदे काम करने के लिए कहता था। आज जानेंगे इस लड़की ने किया ऐसा आविष्कार कि अब लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, और पाकिस्तान टर्की के साथ मिलकर कैसे इंडिया के मुस्लिम के खिलाफ काम कर रहा है। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, मी टू मूवमेंट के दौरान कई एक्ट्रेसेस ने फिल्म मेकर साजिद खान पर घटिया हरकत करने का आरोप लगाया था, पर अब साजिद की घटिया हरकतों की शिकार हुई एक और एक्ट्रेस सबके सामने आई है। हाल ही में साजिद को बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट बुलाया गया है, जिस पर भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। रानी का कहना है कि एक शारीरिक शोषण करने वाले दरिंदे को बिग बॉस जैसे नेशनल शो में जगह देना काफी शर्मनाक चीज है। रानी ने बताया कि साजिद ने उन्हें हिम्मत वाला फिल्म के धोखा सॉन्ग के लिए सिलेक्ट किया था, जिसके बारे में बात करने साजिद ने रानी को अपने घर बुलाया था। रानी ने बताया कि घर पर साजिद अकेला था। साजिद ने रानी से पूछा कि क्या वो छोटी स्कर्ट पहनने में कंफर्टेबल है, तो रानी ने कहा कि वो मैनेज कर लेगी। इसके बाद साजिद ने रानी को अपनी स्कर्ट ऊपर करके पैर दिखाने के लिए कहा। पहले तो रानी हिचकिचाई, पर उन्हें लगा कि शायद बॉलीवुड में ऐसा ही होता होगा, तो उन्होंने अपनी स्कर्ट घुटनों तक उठाई, जिसके बाद साजिद ने उनसे उनके ब्रेस्ट साइज के बारे में पूछा, उनका बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो दिन में कितनी बार सेक्स करती है, ये सब बातें पूछी और रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रानी का कहना था कि मी टू मूवमेंट के दौरान उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनका करियर खतरे में ना आ जाए, पर बिग बॉस में साजिद को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। फैक्ट नंबर 9, मेडिकल इक्विपमेंट्स काफी महंगे आते हैं जिन्हें अफोर्ड करना आम लोगों के बस की बात नहीं होती, पर आज हम आपको एक ऐसी यंग एंटरप्रेन्योर से मिलवाएंगे जिन्होंने लाखों के डायलिसिस मशीन को रिक्रिएट करके कुछ हजार रुपए में बेचा। मिलिए आन्या फोगारियन से। कनाडा की रहने वाली आन्या ने महज 17 साल की उम्र में खून को फिल्टर करने वाली मशीन यानी डायलिसिस मशीन को रिक्रिएट किया और उसे $500 यानी कि 37,000 रुपए में बेचा। आन्या का कहना है कि मार्केट में मिलने वाली डायलिसिस मशीन लाखों की आती है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में उनका बनाया प्रोटोटाइप काफी सस्ता है और महज 25 मिनट में 4 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देता है। फैक्ट नंबर 8, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में एक झील ऐसी भी है जो फिनलैंड के नक्शे जैसी दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं नाइटोकिनेनन लेक की। यह फिनलैंड की एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड लेक है जिसे 1990 में बनाया गया था। जब आप इस लेक को ऊंचाई से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल फिनलैंड के नक्शे जैसी दिखाई देगी, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। है ना मजेदार चीज। नंबर 7, दुनिया भर के देश चाहते हैं कि उनके यहाँ सेटल होने आने वाले विदेशी लोग रईस हो ताकि उस देश की इकोनॉमी मजबूत हो, और अब इस रेस में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने एक नई रेगुलेशन इशू की है जिसके मुताबिक अगर किसी के बैंक अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा रुपए हुए तो उस व्यक्ति को इंडोनेशिया का 5 साल या 10 साल का वीजा मिल जाएगा, और वो व्यक्ति अपने वीजा के ड्यूरेशन के हिसाब से इंडोनेशिया में घर लेकर रह पाएगा। इस पॉलिसी को क्रिसमस के बाद लागू कर दिया जाएगा ताकि इंडोनेशिया की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके। आप में से कौन कौन इस पॉलिसी का हिस्सा बनने के लिए है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई मर जाता है तो लोग उसे RIP यानी रेस्ट इन पीस कहकर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, पर एक मरे हुए हिंदू को RIP नहीं कहा जाना चाहिए, पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। RIP का कॉन्सेप्ट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में होता है क्योंकि दोनों ही धर्म मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी मुर्दे उठ खड़े होंगे और उस दिन भगवान उनके साथ न्याय करेंगे, जिसे इस्लाम में रोज ए मशहर और क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोनों ही धर्म के लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है और उन्हें RIP कहा जाता है, पर सनातन धर्म में कहा जाता है कि शरीर आत्मा के वस्त्र की तरह होता है, इसलिए जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा नए शरीर में चली जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मुर्दों को जला दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करे। हिंदू धर्म में जजमेंट डे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यही कारण है जिसके चलते हिंदू व्यक्ति के मरने पर कभी भी उसे RIP नहीं कहना चाहिए। जब हम पहला इलेक्शन जीते ना तो एगो बोलेरो लिए, जब दूसरा जीते तो एगो स्कॉर्पियो लिए। तो इस बार क्या फॉर्चूनर लेने वाले हैं? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, जब जनता का इतना पैसा हम लूट लिए तो सड़क नहीं बना पाए हम, है ना। तो जब हम गाड़ी से हम सड़क पर निकलते हैं तो धचक मचक घर में इतना बड़ा एकदम घाव हो गया है। तो क्या करने वाले हैं इस बार आप? हम सोचे हैं इस बार कुछ हम दिमाग लगाए हैं, हम सोचे हैं इस बार रोड का समस्या ही खत्म कर देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर ले लेंगे। फैक्ट नंबर 5, अक्सर ऑनलाइन कपड़े खरीदते हुए इस बात का डर बना रहता है कि कहीं कपड़े की क्वालिटी फोटो जैसी नहीं आई, तो इसलिए ज्यादातर लोग कपड़ों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, पर अब इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ निकाला है IIT के रिसर्चर्स ने। हाल ही में IIT मद्रास के इन रिसर्चर्स ने एक ऐसी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें आप अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन दिखाई देने वाले कपड़ों को टेक्सचर और मटेरियल टच और फील कर पाएंगे, ताकि आप ऑनलाइन शॉपिंग से पहले ऑनलाइन मिलने वाले कपड़ों की क्वालिटी को चेक कर सके और सही कपड़े ऑर्डर कर सके। मतलब भारत में टैलेंट की कतई कमी नहीं है, बस फंडिंग प्रॉपर मिले तो भारत के
के लोग देश को सुपर पावर बना सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, सिंगापुर को दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह कहा जाता है, पर अब ये बात साबित भी हो चुकी है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में उफ्तिन सईदी नाम के एक टिकटॉकर ने अपने लैपटॉप को एक स्टारबक्स के आउटलेट में टेबल पर रखा छोड़ दिया और दूसरी जगह खाना खाने चला गया, ये दिखाने के लिए कि सिंगापुर कितना सेफ है। जब उफ्तिन खाना खाकर वापस आया तो उसे उसका लैपटॉप उसी टेबल पर रखा मिला जहां उसने उसे छोड़ा था। इससे पता चलता है कि सिंगापुर को ऐसे ही दुनिया का सबसे सेफ प्लेस नहीं कहा जाता। मतलब मैं कह रहा था कि अगर आप माइंड ना करो ना तो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, घर भी छोड़ दूंगा। चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। नंबर 3, आज तक हमने आपको कई ऐसे देशों के बारे में बताया है जहां एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लेस पब्लिक बेंचेस लगाई जाती है, पर अब भारत में भी स्मार्ट बेंचेस ने एंट्री कर ली है। हम बात कर रहे हैं बेंगलोर के बेलेंदुर में मौजूद आरएमजी इको वर्ल्ड टेक पार्क की, जहां कुछ इस तरीके की सोलर पावर्ड स्मार्ट बेंचेस को इंस्टॉल किया गया है। ये बेंचेस आरएमजेड इको वर्ल्ड के एम्प्लॉइज के लिए लगाई गई है ताकि ब्रेक के दौरान वो इन बेंचेस पर बैठकर रेस्ट कर सके। इन बेंचेस में आपको वाईफाई के साथ फोन चार्जिंग सिस्टम भी मिल जाएगा जहां आप ब्रेक के दौरान अपने फोन को चार्ज करके इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बेंचेस सोलर एनर्जी पर काम करते हैं। और फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी कहीं करता है तो वो सबसे पहली चीज ये देखता है कि क्या लड़का कोई जॉब करता है, पर बिहार के लोग इसी चीज को लेकर कई बार धोखा भी खा जाते हैं। बिहार में जब एक लड़के का कॉल लेटर आ जाता है तो उसके माता पिता लड़की देखकर उससे शादी कर देते हैं और लड़की वाले भी खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लड़के का कॉल लेटर आना मतलब उसकी जॉब पक्की है। पर कॉल लेटर आने के बाद भी कई बार उन लड़कों की नौकरी नहीं लग पाती और कॉल लेटर के चक्कर में अपनी बेटियों की शादी करने वाले पेरेंट्स के पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचता। फैक्ट नंबर 1, अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर टर्की भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, पर हाल ही में टर्की और पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो आपको भी चौंका देगा। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में भारत की इमेज माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने वाले देश की बना दी गई है और अब पता चला है कि इस काम के पीछे टर्की और पाकिस्तान का हाथ है। टर्की और पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में एक ऐसी साइबर टीम बनाई हुई है जिसका काम होता है भारत को माइनॉरिटीज पर अत्याचार करने वाले देश की तरह पोर्ट्रेट करके दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करना। वैसे इससे ज्यादा इन देशों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।